कांतारा, इस फिल्म के अंदर जो दिखाई गई है भूताकोला वो क्या है, क्यों है, इसके अंदर भगवान शिव जी और विष्णु जी के रेफरेंस कैसे है, शिवा आखिर में क्यों चला जाता है, ऐसे बहुत सारे बातों के साथ आज हम इस वीडियो में इसके कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए। हाँ पर भाई, इन सब के बारे में जानने से भी पहले हमें दो देवा के बारे में जानना पड़ेगा, पंजुली देवा के बारे में और गुलिका देवा के बारे में, तभी जाके सब कुछ समझ में आएगा। हाँ तो पहले पंजुली देवा भाई, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दे, तुलु भाषा में पंजुली का अर्थ होता है जंगली सुअर। बोले तो पंजुली मतलब बारह अवतार के देवा, और इनका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये देवा एक बारह की देवात्मा ही है। अब देखो, पंजुली देवा की कहानी कुछ ऐसा है कि माता पार्वती एक बार एक जंगली सुअर का संतान को देखती है जिसका की माँ मर चुका होता है, तो वो उसे अपने पास रखने के लिए ले आते हैं और उसे बहुत प्यार देते हैं। पर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसका दांत निकल आया और वहाँ खुजली और जलन होने के कारण वो फसलों को नष्ट करने लगा। तो शिव जी ये देखकर एक दिन क्रोधित हो गए और उसे मारने ही वाले थे कि देवी पार्वती ऐसा करने से उन्हें रोक लिए। तो शिव जी तभी तो रुक गए, लेकिन लोगों की रक्षा करने और उन्हें बुराई से अच्छा की ओर ले जाने के लिए शिव जी उसे पृथ्वी पर भेज दिए। और शिव जी के भेजा हुआ वही देवात्मा को हम पंजुली देवा के नाम से जानते हैं, जिन्हें की राजा शांति के बदले गाँव वालों को जमीन देकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगर गुलिका देवा की देखा जाए, जिन्हें की हम क्लाइमेक्स में शिवा के अंदर देखते हैं, तो उनका कहानी कुछ ऐसा है कि एक बार जब देवी पार्वती शिव जी के लिए भस्म लेकर आई, तो शिव जी को उसमें एक छोटा सा पत्थर मिला जिसे कि उन्होंने फेंक दिया। फिर वह पत्थर जाके वैकुंठ में गिरा और उसमें से गुलिका देवा के जन्म हुआ, तो उन्हें भगवान विष्णु की सेवा के लिए रखा गया। अब गुलिका को वहाँ भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए रखा तो गया, पर वो सेवा छोड़कर बहुत से अजीबो काम करने लगा, जिससे कि भगवान विष्णु तंग आ गए और उसे नैलाउला संके नाम की एक महिला से पैदा होने के लिए श्राप दे दिए। पर यहाँ भी वो नहीं सुधरे, 9 महीना होते ही वो नैलाउला संके की पेट चीरकर बाहर आ गए। अब कहा जाता है तब वो इतने भूखे थे कि वो सब कुछ खा जाने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ के नगरी का सारा पानी पी जाते हैं, मछली खा जाते हैं और तो और वो एक हाथी के खून भी पी जाते हैं, पर फिर भी उनका भूख नहीं मिटता। और यही गुलिका देवा के यही रेफरेंस भी हमें क्लाइमेक्स में देखने मिलता है, जब गुलिका देवा शिवा के अंदर होते हैं वो खाना मांगते हैं और खाते भी है, जैसे कि वो बहुत दिनों से भूख में हो। ऐसा सिर्फ इस फिल्म में ही नहीं, रियल में भी जब गुलिका देवा आते हैं तो वो खाना मांगते हैं और मुर्गियों तक को वो कच्चा खा जाते हैं, जिन सब के बारे में कि थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर दिखाया भी गया है। हाँ तो अब कहानी में वापस आए तो गुलिका देवा के भूख जब शांत नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु आकर उन्हें अपना एक छोटी उंगली अर्पित किए, तब जाके गुलिका शांत हुए और फिर उन्हें धरती पर भेज दिया गया। पर रुको, अभी भी इनका उधम मचाना बाकी था, वो इधर उधर घूमते थे और हर चीज पर इंटरेस्ट दिखाते थे। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक बार वो पंजुली देवा के सीमा में चले गए और वहाँ भी उधम मचा के पंजुली देवा के साथ लड़ाई करने लगे। अब इनका लड़ाई इतना बढ़ चुका था कि यहाँ बन दुर्गा देवी को आकर उन्हें रोकना पड़ा और वहीं से इन दोनों को मिलकर रहने को बोल के ये आदेश दिया गया कि पंजुली अब उस भूमि का शासक बनेंगे और गुलिका वहाँ का क्षेत्रपाल बनकर उसका रक्षा करेंगे। तो तभी से पंजुली देवा और गुलिका देवा एक साथ रहते आ रहे हैं और उस भूमि के साथ वहाँ के लोगों का रक्षा भी करते आ रहे हैं। माना जाता है कि इनका सम्मान करके इन्हें ठीक ढंग से पूजना होता है, नहीं तो देवा अशांत हो जाते हैं और वहाँ का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए उस भूमि को और वहाँ का संतुलन को बनाए रखने के लिए हर साल उनका पूजा आराधना किया जाता है और वो पूजा करने की जो विधि है उसे ही भूताकोला कहा जाता है। भूता का अर्थ है आत्मा और कोला का मतलब है तुलु भाषा में खेल या कहीं प्रदर्शन, जो कि हमें कांतारा के अंदर देखने मिला है। और हाँ, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जंगली सुअर फसलों का नष्ट कर देते थे, इसीलिए ये अनुष्ठान किया जाता है जिसमें वो पंजुली देवा की पूजा आराधना से उन्हें प्रसन्न करते हैं और पंजुली देवा इनके साथ इनके फसलों का भी रक्षा करते हैं। तो भाई, अभी तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि भूताकोला क्या है, क्यों है और पंजुली देवा के साथ गुलिका देवा की कहानी क्या है। तो अब चलो भगवान शिव जी और विष्णु जी के रेफरेंस पर आते हैं। भगवान शिव जी के कुछ रेफरेंस के बारे में तो आपको पता ही होगा, हीरो का नाम में शिवा है, बचपन से लेकर वो एक रुद्राक्ष पहनते आ रहा है, पेड़ के ऊपर जहाँ वो कुछ समय बिताता है उसका नाम कैलाश है, वो स्मोकिंग करता है, भोलेनाथ की तरह बुरा आदमी को भी जल्दी पहचान नहीं पाता और उस देवेंद्र सुतुर के पास काम करते रहता है। फिर त्रिमूर्ति की तरफ से भी देखा जाए तो जैसे भगवान ब्रह्मा को दी क्रिएटर कहा जाता है, भगवान विष्णु को दी प्रिजर्वर माना जाता है और भगवान शिव जी को दी डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, उसी हिसाब से शिवा भी शिव जी के जैसे कांतारा में पहले विनाशक के जैसे काम करता है, वो जंगल जाता है, शिकार करता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है इत्यादि। आप में से कुछ फिल्मी भाइयों ने शायद इसे जरूर नोटिस किया होगा, पर शायद आपने ये मिस कर दिया होगा कि मुरली को लेकर भगवान विष्णु के रेफरेंस दिखाया गया है। शिवा जंगल का विनाश करता है तो मुरली उसे बचाना चाहता है। हाँ मतलब कुछ जगहों पर हमें मुरली बुरा लग सकते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की तरह है, चाहे लोग उन्हें कपटी कहे या बुरा, दुनिया के भलाई के लिए वो अपना काम करते हैं जैसे कि महाभारत में किए थे। वैसे ही इसमें भले ही गाँव वाले सब मुरली को बुरा समझते हैं पर वो अपना काम करते हैं। और आप बोलो मत कि इन्हीं की वजह से वो गुलिका देवा की पूजा करने वाला पत्थर बाहर निकलता है और फिर वहाँ शिवा टकराने के बाद जाके गुलिका देवा गाँव वालों को बचा पाते हैं। इसका हिंट हमें तभी दिया जाता है जब शिवा समझता है कि ये उनके साथ बुरा हुआ, पर वो ये नहीं जान
जानता था कि मुरली के वजह से ही वो देवा वाला पत्थर बाहर आया। तो मतलब समझ रहे हो, पहले से ही मुरली शिवा को रास्ता दिखा रहा था पर वो समझ नहीं पाता। और इन सबसे भी बड़ी एक और नोटिस करने वाली बात, नाम। मुरली का नाम भी ये दर्शाता है कि उसे लेकर भगवान विष्णु के रेफरेंस दिया जा रहा है, क्योंकि मुरली भी श्री कृष्ण के एक नाम है और श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के अवतार है ना भाई। अब अभी अगर आप ये सब देखने के बाद सोच रहे हो कि हाँ यार ये तो हमने नोटिस किया ही नहीं, गजब का डिटेल है भाई, तो भाई रुको, अभी तो एक और ट्विस्ट बाकी है। मुरली को हमने भगवान विष्णु के रेफरेंस में देखा, तो शिवा को भगवान शिव जी के रेफरेंस में देखा है ना, और ये लोग इसके अंदर क्या करते हैं, पहले मिलते हैं फिर झगड़ा करते हैं और आखिर में एक हो जाते हैं और एक होके गांव और गांव वालों को बचा लेते हैं। तो पंजुली देवा और गुलिका देवा भी क्या किए थे, पहले मिले थे फिर झगड़ा किए थे और आखिर में एक हो गए थे और एक होकर उस भूमि का रक्षा किए थे। इसका मतलब अभी आप समझे, भगवान विष्णु के भेजा हुआ पंजुली देवा और उनके रेफरेंस में दिखने वाला मुरली दोनों उस भूमि का शासक बनते हैं, और भगवान शिव जी के भेजा हुआ गुलिका देवा और उनके रेफरेंस में दिखने वाले शिवा दोनों उस भूमि का क्षेत्रपाल बनते हैं। बाकी गुलिका और पंजुली देवा के फाइट और शिवा और मुरली के फाइट के बारे में तो आप जानते ही हो। तो मतलब भाई देख रहे हो, एक ही आदमी ऋषभ शेट्टी कितना गहराई से इसे लिखे है, इसे डायरेक्ट किए है और इसमें एक्टिंग भी किए है। मानना पड़ेगा भाई, ऋषभ शेट्टी साहब के लिए एक लाइक तो बनता है। खैर तो शिवा आखिर में गायब क्यों हो जाता है, उसके बारे में हम बहुत जल्दी जानेंगे, पर पहले कुछ डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो देवेंद्र सुत्तूर उसी तलवार से मरा जिस तलवार को उनके पूर्वज त्याग दिए थे, क्योंकि राजा ने जो वचन देकर हथियार त्याग दिया था उसका वंशज आगे जाकर वही वचन को तोड़ के हथियार उठा लिया था। इसलिए आप वचन तोड़ने की बात तो इस देवेंद्र सुत्तूर के पापा ने भी किया था ना, तो उसे उनके वंशज के तलवार में ना मार के इसे ही क्यों, क्योंकि ये जमींदार बहुत साणा बन रहा था। आपने देखा होगा इसका पापा तो फिर भी देवा के सामने अपना बात रखा था कि उसे वो जमीन चाहिए, लेकिन ये तो अंदर ही अंदर गेम खेल के गांव वालों का जमीन छीन लेता है, ऊपर से भूतकोला करने वाला गुरुवा को भी मार देता है, तो इसे ऐसा सजा क्यों नहीं मिलेगा। और वैसे भी हम सब ने देखा था, गुरुवा जब एक बार जमींदार को फोन करके कहा था कि बात जेल तक पहुंच गई है, लगता है कोई अनर्थ होने वाला है तो आपको सब कुछ ठीक करना होगा, तो तभी हम सब समझ जाते हैं कि गुरुवा शिवा की बात कर रहा है, पर असल में वो गुलिका देवा की बात कर रहा था, जिन्हें की पता चल चुका था कि जमींदार क्या कर रहा है। और आप अगर ध्यान दोगे तो ये सीन तभी दिखाया जाता है जब देवेंद्र सुत्तूर कहता है कि अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं नहीं किया तो शांति से नहीं रह पाऊंगा। तो तब वो उसका दिमाग में क्या चल रहा था, यही कि अब गुरुवा को जमीन का लालच देके भूतकोला में झूठ बुलवा के जमीन हासिल करेगा, नहीं तो गुरुवा को मार के शिवा को मुरली की तरफ भड़का के वो जमीन हासिल करेगा। इसलिए इसके अगले ही सीन में गुरुवा जग जाता है, क्योंकि उसे गुलिका देवा के क्रोध दिख जाता है। तो ये जमींदार को सचेत करता भी है कि उसे अपनी गलती सुधार कर सब कुछ ठीक करना होगा, और जमींदार तो लालची येड़ा है, वो बोलता है अगर मैं ही सब ठीक करूंगा तो तेरा देवा क्या करेगा। और ये बोल के जब वो खुद देवा को ललकारता है तो इसीलिए देवा खुद सामने आकर जमींदार को उन्हीं के पूर्वजों का तलवार से मार देते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। फिर हमेशा के लिए जमींदार का कहानी खत्म और क्या। अब एक और नोटिस करने वाली बात, जिसे कि बहुत से फिल्मी भाइयों ने शायद मिस कर दिया होगा, मुरली जब शिवा के गन चलाते हैं तो वो घायल हो जाते हैं, पर शिवा का गन तो अच्छा था, हमने उसे कई बार फायर करते हुए देखा था, तो फिर वो मुरली चलाते टाइम क्या हो गया। कुछ हुआ नहीं था भाई, बस गन बदल गया था, वो शिवा का गन नहीं वो रामपा का गन था, जिसे कि उठाकर शिवा लीला के पास चला आया था। तो अगले सुबह उसी गन के साथ ही वो पकड़ा गया, फिर जब उस गन से फायरिंग हुआ तो वो दोनों साइड पे चला और मुरली घायल हो गया। ये गन हमेशा से ऐसा चलता है, क्लाइमेक्स में भी हमें दिखाया है ना। पर मजे की बात क्या है पता है, इस गन के बारे में रामपा पहले शिकार करते टाइम एक कहानी सुनाया था, जिसमें राजा गजेंद्र और उसके दादाजी तानिया शिकार करने गए थे, इसके दादाजी उस गन से नीचे फायर किया था पर वो शेर मर गया, क्योंकि उस टाइम भी ऐसे दोनों साइड का कांड हुआ होगा। और तभी से वो गन राजा रामपा के दादाजी को गिफ्ट कर दिए, तो वो गन आखिर में रामपा के पास आ गया और रामपा से उस दिन शिवा ले गया, इसलिए मुरली घायल हो गया। भाई क्या मस्त डिटेल्स है ना। अब फिर से ये सीन को देखोगे तो ऋषभ शेट्टी ऐसे फाड़ो राइटिंग के लिए उन्हें सल्यूट करोगे। अब शिवा वो जिंदा है कि मर गया, आखिर में वो क्यों चला गया। तो भाई देखो, ये जो भूतकोला नर्तक या साधक होता है आमतौर पर ये एक ही फैमिली के होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वही से करते आते हैं। देवा ऐसा नहीं है कि वो किसी के भी अंदर आ जाए और लोगों की समस्या को ठीक कर जाए। बोले तो ये सिर्फ एक नृत्य प्रदर्शन नहीं है भाई, ना ही ये भूतकोला मनोरंजन के लिए है और ना ही ये पेशेवर परफॉर्मर द्वारा किया जाने वाला स्टेज एक्टिंग है। नहीं भाई, इसमें परफॉर्मर को आध्यात्मिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है और उनकी भूमिका के लिए कई प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है, सख्त नियम का पालन करना पड़ता है, तब जाके आह्वान करने पर दैव परफॉर्मर के अंदर आते हैं। इसीलिए हर कोई इसे नहीं कर सकता, जिनका पूर्वज करते आए हैं सिर्फ वही इसे कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, कभी ना कभी इसे शिवा को करना ही था और आगे उसके बेटा को भी। तो जब शिवा को जमींदार का गुंडा मारता है तो शिवा मर जाता है, पर अभी जमींदार को भी सजा देना था और आगे भूतकोला करने के लिए उनका वंश को भी आगे बढ़ाना था, इसीलिए
गुलिका देवा शिवा के अंदर आकर पहले जमींदार को सजा देते हैं, फिर शिवा को उसके वंश आगे बढ़ाने के लिए कुछ टाइम का जीवन भी देते हैं, जिसके अंदर हमें देखने को भी मिलता है कि लीला प्रेग्नेंट है और तभी शिवा वहां से चला जाता है क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था और वो मर भी चुका था। वैसे इस मरने वाले बाघ का हिंट हमें पहले भी दिया गया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सीन बताता है कि मरे हुए को तुम क्या मारोगे, पर तभी नहीं ये एंड में जाके हमें समझ में आता है। अब भाई देखो, इसके अंदर हमें जितना भी पंजुली देवा और गुलिका देवा के बारे में बताया है वो सब हमने रिसर्च करके पाया है, अदरवाइज इसके ऊपर हमारा ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो अगर कहीं भी कोई भूल हो गया हो तो आपका ये भाई को माफ कर देना। अब भाई देखो, इसके अंदर तो अभी और भी बहुत कुछ है पर वीडियो लंबी हो रही है इसलिए कुछ डिटेल्स को हमने ऐड नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि हम उन सारी डिटेल्स को लेकर एक और वीडियो लाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हम जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो भाई बस आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखो, जल्दी मिलते हैं, बाय।